आज 25 दिसंबर यौम कायद आज़म है। इस कायद आज़म की जो यौम पैदाइश के इस मौके के ऊपर मैं आप के ज़रिए मैं अहले लाहौर को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज हमारी तुर्की की जो BRT बस रैपिड ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं उनके साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुआहदा हुआ है कि हम इस रूट को फिरोजपुर रूट को, वैसे तो और भी रूट्स हैं, किनाल रोड और दूसरे रूट्स, लेकिन पहला ये रूट होगा, इसके ऊपर हम डेडिकेटेड बस रैपिड ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आज हमने इसका संगे बुनियाद रखा है। और ये यानी वस्त सड़क के वस्त पे से चलेगा और दोनों तरफ फेंसिंग होगी और उसके दरमियान ये यानी तेज़ रफ्तार ये सिस्टम बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा और इसके ऊपर फिल फॉर काम शुरू हो चुका है। तुर्की की यहाँ पर इस्तांबुल जो टीम यहाँ पर हमारे मेहमान डिज़ाइनिंग टीम आई हुई हैं, इन्होंने सारा सर्वे कर लिया है और उम्मीद की जानी चाहिए अल्लाह ताला के यहाँ के अल्लाह के फजल से कि दिन रात काम करके अगले साल फरवरी में इंशाल्लाह इसको हम इस फिरोजपुर रोड को गजुमता से शाहदरा तक, इसमें से जी बिल्कुल पहला 15 किलोमीटर जो है, टोटल 27 किलोमीटर है, पहला 15 किलोमीटर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टार्टिंग शुरू करें, रैपिड ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शुरू कर देंगे। ये एक जिस तरह अभी नई बसों का लाहौर में इजरा हो चुका है, बसेस चल रही हैं, ये एक मुनफरद निज़ाम ये है कि ये डेडिकेटेड होगा, इसका रूट बिल्कुल स्पेशल रूट होगा और ये थ्रू एंड थ्रू चलेगी बस। और इसके लिए जो मेयर ऑफ तुर्की मेरे भाई कादर तोपाश और उलेशियम जो उनकी म्यूनसिपैलिटी की कंपनी है, ITS और जो दूसरी जो कंपनीज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भरपूर वो तावन कर रही हैं और ITS का डिज़ाइन होगा, सिग्नल डिज़ाइन होगा और BRT के लिए उलेशियम डिज़ाइनिंग कर रही हैं, तो ये उनकी मेहरबानी है कि वो भरपूर तावन हमारे साथ कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि फरवरी मार्च में इंशाल्लाह ये निज़ाम यहाँ पर चल रहा है। ये मतलब ये कि अब नया सिस्टम ट्रांसपोर्ट को ट्रैक पे ला रहे हैं, क्या जमहूरियत भी ट्रैक पे लग रही है, कुछ शख्सियात भी आ जा रही हैं, हाशमी साहब वगैरह इस तरह का, उनसे कोई ये आज यौम कायद आज़म है, ये बहुत बड़ा तोहफा है अहले लाहौर के लिए और मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी तवानाइयाँ सर्व करनी चाहिए। और मैं अपने तुर्क हुकूमत का, मेयर ऑफ तुर्की का और तुर्क अवाम का और अपना बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वो उन्होंने हमसे बहुत तावन किया, उनकी मशीनरी अब शिप हो रही है, जनवरी में उनकी मशीनरी पहुँच जाएगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो 6 फरवरी जो यौम कश्मीर है उस दिन पूरे लाहौर में ये तुर्की की तावन के साथ सॉलिड 5 फरवरी पूरी लाहौर में तुर्की की मामले के साथ सफाई का और बेहतरीन निज़ाम शुरू हो चुका होगा। सर जावेद हाशमी साहब की बड़ी जद्दोजहद है, क्या बाकी उनसे आपकी हुकूमत ने सेंटर की जो रोड है इसके ऊपर अरबों रुपए लगाए गए हैं माहौलियात के लिए, अब जब वो ट्रैक बनेगा दरमियान में तो माहौलियात के पे भी असर पड़ेगा और अरबों रुपए भी कौम के ज़ाया होंगे? आप क्यों ज़ाया होंगे मुझे बताएं कि पब्लिक रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए? अगर कोई नया निज़ाम आता है तो उसके लिए नई उस हकमत अमली अपनानी पड़ेगी, ज़ाया किस बात का, वो तो इजाफा है लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए, एक का साइड से लेकर दूसरी साइड पर लेकर जाने के लिए, तो ज़ाया कुछ नहीं होगा, हर चीज़ को महफूज करेंगे। जावेद हाशमी साहब ने कहीं असर के वक्त रोज़ा तो नहीं तोड़ दिया, उनकी बड़ी जद्दोजहद थी? Yes, we are starting the project now. In a couple of months, we try to design and application plan. Then we start the project. Then start the construction from here.
inshallah we will do our best, inshallah. I think, yeah. Like Istanbul, inshallah. Your name? My name is Mustafa Metin Yazar. I am the project manager, Istanbul Ulaşım, of Istanbul Ulaşım. ये साहब हाशमी साहब का जो है वो असर के वक्त करीब उन्होंने रोज़ा अफ्तार कर लिया है और रैपिड लेन तो आपने बना दी, तीसरा रैपिड जो है अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जहाँ जाएँ जहाँ भी रहें खुश रहें। आमीन।